तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है पे आपके? और मेरा नाम है अफजल मलिक, जो कि हूँ एक AM टेक्निकल पॉइंट चैनल से। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगा मेरे दोस्तों कि हम कैसे एक ऐप से अपना फ़ोटो बहुत अच्छी तरह एडिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हैंडी फोटो। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है AM टेक्निकल पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, ये हैंडी फोटो ऐप है। इससे आप अपनी सेल्फीज़ और स्टैंड अप फोटो बहुत अच्छी तरह एडिट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ, तो ये फ़ोटो ले लेता हूँ। आप इसमें देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये फ़ोटो जो मेरा फ़ोटो है कुछ इस तरह का है। उसके बाद ये कोने में जो हैंड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, और फर्स्ट पे जो है उस पर क्लिक कीजिए। और ये देखिए, सेकंड वाले पे आप इससे अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। और देखिए, फर्स्ट से पहले हम अपनी ब्राइटनेस कम कर लेते हैं। देखिए, इससे भी हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। देखिए, इससे थोड़ा अंधेरा हो सकता है मेरे दोस्तों। देखिए, ऐसे कलर हम चेंज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, देखिए, आपका अगर फ़ोटो धुंधला आ रहा हो तो आप इसे साफ़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह का फ़ोटो आ जाता है दोस्तों, और उससे आप इस तरह करके साफ़ कर सकते हैं। देखिए, आपका फ़ोटो साफ़ हो जाएगा। कुछ इस तरह का फ़ोटो हो, अगर आपका आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस तरह करके उसे साफ़ कर सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ, इस पे हैंड पे क्लिक कीजिए और सेकंड पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, इसकी रिमूवल बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये रिमूवेबल है। पहले आप इस तरह से कुछ अपने फ़ोटो को कर लीजिए। करने के बाद कुछ इस तरह आप लाइन मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है, जो कोने में आ रहे हैं, फिर इस तरह से कुछ लोड हो जाना है। लेकिन आपको छेड़ना नहीं है मेरे दोस्त, इसे लोड होने देना है। जब ये पूरा लोड हो जाए, उसके बाद ये आपको कुछ करना है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन मिलेगी पहले से ही, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी फॉलो, मेरे पेज की लिंक और मेरी यूट्यूब चैनल की लिंक और मेरे फेसबुक प्रोफाइल की लिंक, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी फ़ोटो का बैकग्राउंड चाहिए तो आप इस तरह ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह उसने रिमूव कर दिया है। और चीज़ दिखाता हूँ मेरे दोस्तों, ये स्टैम्प वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप अपने फ़ोटो को कहीं पे भी यहाँ से बना सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे अपना फ़ोटो बना सकते हैं इस तरह कुछ करके। और ये दूसरी वाली स्टैम्प जो है, ये बहुत अच्छी है आप, लेकिन ये जहाँ पे आप रखोगे वहीं से ही वो काम करेगी। आपके मुंह जो आपकी मुंह है, सिर्फ आपके उसका ही स्टैम्प लगाएगी। और अब और दिखा दो मेरे दोस्तों, मैं इसकी कुछ खूबियाँ, और ये भी रिमूवेबल जैसा ही कुछ है मेरे दोस्तों, मुंह में। और सॉरी, देखिए आप इसमें फ़िल्टर्स आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, आप मेरे कपड़ों का कलर देखना मेरे दोस्तों, ये देखिए, आप मेरे कपड़ों का कलर देख लीजिए। और ऐसा अगर आपको अपनी सिर्फ कपड़े कपड़ों से करना हो, अपनी जो हेड है मतलब आपका मुंह है, उसको आपको वो करना हो, तो आप इस तरह कुछ कर सकते हैं। मुंह से आप अपनी इरेजर ले लीजिए, और मुँह से आप इस तरह मिटा सकते हैं। और कुछ इस तरह मिटाने के बाद आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है, और ये ऑन कर देना है, और आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, आपका मोमो इस तरह हो चुका है मेरे दोस्तों। आपकी ड्रेस और पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, अगर आपको करना है तो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं मेरे दोस्तों। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है मेरे दोस्तों, ये देखिए, आप अपने बैकग्राउंड को बिल्कुल ईंटों जैसा बदल सकते हैं। इसी तरह आप इसे रफ़ कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह फ्रेजर लेके फिर इस तरह करना है, और इसे ऑफ़ कर देना है मेरे दोस्तों। आप अपने अपने ऊपर से इसे रफ़ कर दीजिए। मैं अभी जल्दी में हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी छोटी हो गई तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा आपको वैसे ही दिखा सकता हूँ। वैसे आप आराम से अगर फोटो एडिट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरह का आपका फ़ोटो मिल जाएगा। तो इसे ओ, और ये देखिए, आप अपना फ़ोटो देखिए, पीछे बहुत ही अच्छी तरह
आपका फ़ोटो लग रहा है। और मैं और चीज़ दिखाता हूँ इसमें फ्रेम, और ये देखिए मैजिक क्रॉप, ये भी बहुत अच्छा लगा है मेरे दोस्त मुझको। अब ये देखिए आप इस तरह से आप अपने फ़ोटो को बड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट थोड़ी देर आपको यहाँ रखना है और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है, और ये देखिए आप इसे बड़ा कर सकते हैं अपने फ़ोटो को। इस तरह कुछ बड़ा कर सकते हैं आप, तो इस तरह आप बड़ा कर सकते हैं अपने फ़ोटो को, वो बहुत ही अच्छी तरह आप अपना फ़ोटो बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको सेव करना हो तो आप अपने, ये देखिए फ्रेम्स देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम हैं, इस तरह से कुछ आपके फ्रेम मिल जाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ को अप्लाई करना हो तो आप इस चीज़ पे क्लिक करिए, जो राइट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नीचे कॉर्नर में जो दूसरे नंबर पे, राइट का क्लिक, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से हैंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो दूसरी ऊपरली लाइन है, जो पहले नंबर पे लाइन है, इसमें जिसमें चार ऑप्शन आ रहे हैं जो घूम नहीं सकते, सिर्फ चार ही है, उसमें तीसरे नंबर पे जो ये चाकू डब्बा सा आ रहा है, ये सेव का निशान है। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा और आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ मेरे दोस्तों आपका फ़ोटो सेव कहाँ हुआ है। अपनी गैलरी में जाइए और अपनी गैलरी में चेक करिए कि आपका फ़ोटो सेव हुआ नहीं है। और ये देखिए आपका हैंडी फ़ोटो का फ़ोटो, आपने जो फ्रेम लगाया है मेरे दोस्तों। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ हो तो प्लीज़ उसे बताएं। और अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो मेरा फ़ोटो प्रोफाइल पे लग रहा है, इस तरह के इंस्टाग्राम कैसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह के स्टिकर बना रखे हैं, तो आप इस तरह से अपने स्टिकर बना सकते हैं। तो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली।